सो दिस इज द ऑल न्यू DJI Air 3 जो कि एक नया ड्रोन है DJI की तरफ से। काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके अंदर दो कैमराज मिलते हैं। अगर आप आगे की तरफ देखोगे क्या कैमराज है क्या रोल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम आए हैं ये यमुना घाट दिल्ली में, पीछे आप मेरे बोर्ड भी देख सकते हो, तो काफी सही शॉट यहाँ पे मिल सकते हैं। इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या रेजोल्यूशन है और इस ड्रोन से आप क्या शूट कर सकते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको 10 ऐसे रीजंस बता सकूं कि मुझे क्यों लगता है कि DJI Air 3 एक ऐसा ड्रोन है जो आप अपने ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है 70mm का कैमरा। और अगर आप ध्यान से देखोगे अब Air 3 में हमें दो कैमराज मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड कैमरा जो 24mm का है, दूसरा जो कैमरा है दैट इज 70mm जो कि 3x ऑप्टिकल जूम है, तो वो डिजिटल जूम नहीं है, डेडिकेटेड हमें 3x जूम का एक लेंस मिलता है। इसका बेनिफिट क्या है या मैं आपको एक साइड बाय साइड डिफरेंस दिखा देता हूं। 1x में आपको एक वाइड एंगल बढ़िया व्यू मिलता है, बट जैसे हम 3x में जाते हैं ना चीजें चेंज होती हैं, बिकॉज नॉर्मली ये जो ऑप्टिकल जूम वाला फीचर था अभी तक बहुत महंगे ड्रोन्स में आता था, बट थैंक्स टू DJI की अब Air 3 में भी आप थोड़े से बजट में, अभी भी ये महंगा है बट स्टिल आपको एक डिसेंट बजट में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है जिसको यूज करके आप कुछ इस तरीके के फुटेज ले सकते हो। तो मान लेते हैं आपको जूम इन करके एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही कैप्चर करना है, वो आप कर सकते हो। इवन अगर आप देखोगे कि बैकग्राउंड कंप्रेशन का काफी ज्यादा डिफरेंस आता है, तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से आपको 70mm में शूट करके एक बढ़िया फुटेज मिल सकती है जो अभी तक एक कंज्यूमर ड्रोन में इतना इजीली नहीं मिलता था। और बढ़िया चीज ये भी है कि जो दोनों कैमरा के सेंसर्स हैं ना वो सेम है, 1x1.8 इंचेस का सेंसर है जो दोनों में सेम मिलता है। अब आई नो कई लोगों का ये पॉइंट था कि जो 2S में सेंसर था उससे कंपैरेटिवली ये स्मॉलर है, बट क्वालिटी में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, उसकी हम आगे बात करेंगे। बट हाँ एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जब हम ड्रोन फ्लाई कर रहे थे मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मान लेते हैं मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ 1x पे या 3x पे, रिकॉर्डिंग होते हुए आप 1x और 3x में स्विच नहीं कर सकते, आपको रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा, फिर स्विच करना पड़ेगा और फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर हो सकता है, शायद हम रिकॉर्ड करते हुए दोनों में स्विच कर सकें तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बाकी 3x का एक और बेनिफिट आप ले सकते हो कि 3x ऑप्टिकल जूम तो मिल ही रहा है, बट उसके बाद भी आप 6x एंड इवन 9x पे जाके इसको डिजिटली क्रॉप करके कुछ इस तरीके की फोटोज निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कि आपको ड्रोन शॉट में ही बहुत एक स्पेसिफिक जूम करके शॉट लेना है, वो भी आप क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आएगा, बट स्टिल यू कैन डू दैट। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जो इसमें वीडियो रिकॉर्ड करते हो वो D-Log-M में शूट कर सकते हो जो कि 10-bit है। इसका बेनिफिट क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये D-Log-M क्या है। बेसिकली D-Log एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो इस तरीके से मैं आपको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा दूंगा स्टैंडर्ड और D-Log-M में। तो आप देखना D-Log-M वाली जो फोटेज है आपको देखने में बहुत डीसैचुरेटेड, बहुत हल्का कॉन्ट्रास्ट, बहुत फीकी से लगेगी, बट इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है जब आप इसको एडिटिंग में लेके जाओगे ना, इस तरीके से आप देखो कलर ग्रेड करके अपनी वीडियो को पूरा लुक एंड फील चेंज कर सकते हो। और यही बेनिफिट है कि आपको इस ड्रोन में D-Log-M मिलता है और प्लस 10-bit है, तो इससे आपको डायनामिक रेंज बेटर मिलती है, आप जो हाईलाइट वाले एरियाज हैं उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हो, वहां बेटर एक्सपोजर और कलर्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एडिटिंग में। और एक्चुअल बेनिफिट जो आपको D-Log-M का मिलेगा ना वो ऐसी डायनामिक सिचुएशन में मिलेगा जहां स्काई बहुत ब्राइट है, आप अपने हिसाब से बाद में एडिटिंग में कलर्स या एक्सपोजर चेंज करना चाहते हो, वहां पे D-Log-M आपको काफी हेल्प कर सकता है। अब अगर मैं इसके थोड़े फीचर्स की बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज है DJI की एक्टिव ट्रैकिंग, और यहां पे मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा। बट इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि मान लेते हैं आप कार में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, या अगर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप दूर से ट्रैक करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ये जो DJI का ड्रोन है ये खुद उसको ट्रैक करते हुए मूव करेगा और बेसिकली ये जो ड्रोन है उसको ट्रैक करते हुए आपको बढ़िया से फुटेज दे देगा। इसको एक बार प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो आपके काफ़ी काम आने वाली है, जिस वजह से मैंने देखा है काफ़ी लोगों के ड्रोन भी क्रैश हो जाते हैं। तो DJI Air 3 में हमें ओमनी डायरेक्शनल ऑब्स्टिकल सेंसिंग मिलता है। बेसिकली क्या है कि आपको हर तरफ से इसने सेंसर्स कवर कर रखे हैं, तो यहाँ इस साइड आगे की तरफ सेंसर है, पीछे है, इवन ये ऊपर का कवर करेगा, नीचे का, ऑलमोस्ट 360 डिग्री ये ऑब्स्टिकल सेंसिंग को डिटेक्ट करेगा। जिस वजह से मान लेते हैं कि आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, कुछ पेड़ आ जाता है, कुछ बिल्डिंग आ जाती है, कुछ भी ऐसे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं जाएगा, क्रैश नहीं होगा। इट विल मेक श्योर कि आपको वो वार्निंग दे दे और वहाँ ये ड्रोन रुक जाएगा, जिस वजह से आपका जो ड्रोन है वो क्रैश नहीं होगा और आपके पैसे वेस्ट नहीं होने वाले। और एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो अब हम आउटडोर आए हैं इसका ऑब्स्टिकल सेंसिंग टेस्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ये पिलर्स हैं कुछ, तो इस पर देखते हैं कि इसको डिटेक्ट कर पाते हैं नहीं। तो अभी एक बार टेक ऑफ कर रहा हूँ मैं, एंड इस तरीके से एक बार मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आपको दिखा दूंगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाए डिटेक्ट कर रहा है नहीं। मैं इस साइड पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे तो रेड कलर का इंडिकेशन दे रहा है, बट अगर इसको मैं आगे लेके जाता हूँ इस तरीके से, तो अभी अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देखोगे रेड लाइन दे रहा है, और अगर आप ये ड्रोन देखोगे इससे आगे बेसिकली ये जा नहीं पा रहा। तो ये एक इसका बेनिफिट है। मान लेते हैं अगर मैं इसको पीछे भी लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपने पास भी लाने का ट्राई करूँगा तो ये नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज इस तरीके से यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि ऑब्स्टिकल है कोई, तो इस वजह से इसके पास ये नहीं आएगा। आई थिंक तीन चार फीट का डिस्टेंस है जिससे पास अभी नहीं आएगा। अगर मैं पास भी जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेक श्योर करेगा कि ये ऑब्स्टिकल सेंसिंग जो इसका है वो उतना डिस्टेंस रहे कि ये टकराए ना, इवन जब ये फ्लाई कर रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है वीडियो क्वालिटी के बारे में, बिकॉज आई एम श्योर आप ये जानना चाहते हो गए। तो सबसे पहली चीज़, आप इसमें 4K 60fps HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मोस्टली हमने 4K 60 में ही रिकॉर्ड किया था, जो आप सैम्पल्स अभी पहले देख चुके हो या अब वॉइस ओवर में देख रहे होगे। इसका बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहली चीज़, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि D-Log M है, उसका बेनिफिट लेते हो 4K 60 में शूट करते हो HDR में, तो कहीं ना कहीं आपका जो आउटपुट मिलता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो $1,000 से $1,500 के बीच में, तो उस हिसाब से जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव है। इन फुटेजेस को हमने वैसे तो ग्रेड करा है, बट इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ग्रेड करके भी आप कैसा आउटपुट निकाल सकते हो। इवन 3x का जो आउटपुट है वो पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। 4K 60 में भी आप 3x ऑप्टिकली जूम करके फुटेज ले सकते हो, तो क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, स्टार्टिंग में मैंने ये भी बोला था कि कई लोगों को लग रहा था कि 2S में जो सेंसर था वो इससे बड़ा था, बट देखो सेंसर से फर्क पड़ता है, बट आई वुड से कि जो आउटपुट हमें मिला, जो क्वालिटी है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वुड से कि टेक्निकली अगर आप जाओगे उस पे मत रहना, प्रैक्टिकली जो आउटपुट इसका है, स्पेशली अगर आप D-Log में शूट करने वाले हो, तो आप काफ़ी बढ़िया डिटेल निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल डिफरेंस दिखाता हूँ 1x और 3x का। तो अभी जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख रहे हो 1x है, सैमसंग का छोटी सी आपको फैक्ट्री का लोगो दिख रहा होगा। और जैसे ही मैं 3x पे जाता हूँ, यहाँ पे ये देखो 3x पे जाते ही इतना ज़्यादा जूम इन हो गया, और ये ऑप्टिकल जूम है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो कि इतने दूर होते हुए भी मैं अगर एक जूम करके, ऑप्टिकल जूम करके कुछ फोटेज लेना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब जो 6th रीज़न है वो ये है कि आप में से कई लोगों का क्वेश्चन भी होगा कि Air 3 कितनी हाइट तक जा सकता है। वैसे इंडिया में 120 मीटर का रिस्ट्रिक्शन है, बट सेटिंग्स में अगर मैं जा रहा हूँ तो फॉर सम रीज़न ये 500 मीटर तक वो ऑप्शन दे रहा है मुझे। तो अगर मैं एक बार हाइट लेके जाऊँ ऊपर, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्ले में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं इसको एकदम मैक्सिमम ऊपर कितना जा सकता है, ट्राई करते हैं इससे पहले कि वार्निंग आए। तो अभी अराउंड 60-100 मीटर्स के आसपास अभी ये जा चुका है, एक बार फाइनल देख लेते हैं कितना जाता है, सो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही 120 मीटर के ऊपर जाता है ना, आपको वार्निंग आ जाएगी कि एयरक्राफ्ट मे बी इन वायलेशन ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशन, तो इसलिए 120 मीटर्स के ऊपर आप इसको नहीं उड़ा सकते। जाएगा भी, बट स्टिल इट्स नॉट लाइक वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट है, तो 100 मीटर के ऊपर आप नहीं ले जा सकते। बट यहाँ पे जितना मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है, 500 मीटर तक जा सकते हो, और जो ये आपको शो भी करता है 120 मीटर्स। जैसे मैं नोएडा रीजन में कर रहा था तो 120 का लिमिट था, दिल्ली में हम आज यमुना घाट में भी शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे 120 पे वार्निंग दे रहा था, बट उससे पर ये ले जा रहा था 500 मीटर तक ये जा सकता है, बट 120 मीटर इज द लिमिट जो आप लीगली फ्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है कि 15 मीटर वाला, इन लोगों के माइंड में अभी भी क्वेश्चन है, तो वो चीज़ अब इंडिया में नहीं है, 120 मीटर्स तक आप इजीली लेके जा सकते हो। अब आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पे वर्टिकल वीडियोज या यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक चीज़ मैं बता दूं कि वर्टिकली देखो डेडिकेटेडली ये कैमरा वर्टिकल तो इस तरीके से नहीं होगा, बट आप 2.7K तक इसमें वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। होगा क्या, वही हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल फ्रेम ही यूज होगा सेंसर का, बट उसको वर्टिकल में क्रॉप किया जाएगा, तो 4K की बजाय आप 2.7K में ये वीडियो को कैप्चर कर सकते हो, वर्टिकल वीडियो जो आपको ये स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा दे देगा। तो अगर आपको 2.7K काम चलता है 1080 या 2.7K, देन इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप डेडिकेटेडली वर्टिकल करना चाहते हो, बजट थोड़ा कम है, तो आई वुड से कि मैविक मिनी 3 प्रो जो है उसमें आपको ये वर्टिकल डेडिकेटेड मोड मिल जाता है 4K में। अब DJI Air 3 में भी लाइक अदर DJI ड्रोन्स आपको क्विक शॉट्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाके आप इस तरीके से कुछ क्रिएटिव ड्रोन शॉट्स ले सकते हो, जैसे कि रॉकेट एक ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप देखोगे रॉकेट मूवमेंट आप अचीव कर सकते हो। देन ड्रोन ही एक ऑप्शन है जो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। उसके बाद ये सर्कल मोशन भी है, जहाँ आप बिना कुछ यूज़ करे सिर्फ सर्कल मोशन को यूज़ करके एक सर्कुलर ऑर्बिट बेसिकली एक मोशन क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद कई और ऑप्शन भी हैं, वो मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखा दूँगा। देन सबसे बढ़िया चीज़ मुझे DJI ड्रोन्स की लगती है मास्टर शॉट्स, जहाँ पे बेसिकली आप एक बार ड्रोन को उड़ा दो, मास्टर शॉट को ऑन कर दो, अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये खुद से मल्टीपल शॉट्स लेगा और उसके बाद एडिटिंग में अपने हिसाब से आपको कौन सा शॉट रखने कौन सा नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो मास्टर शॉट्स को बेसिकली यूज़ करके इस तरीके से जो स्केट कर रहा था एक लड़का यहाँ पे, उसके हमने अलग अलग शॉट्स लिए और आप यहाँ पे उसका प्रीव्यू देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बैटरी की बात करूं तो एक बैटरी 46 मिनट्स का DJI प्रॉमिस करता है, तो अगर आप फुल बैटरी में चला रहे हो तो 40-45 मिनट्स इजीली आप फ्लाई कर सकते हो। हमने हाफ बैटरीज में चलाए थे तो ये 15-20 मिनट चला था, फुल बैटरी में भी ये इजीली 40-42 मिनट्स का आपको दे देगा, डिपेंडिंग की धूप कितनी है। धूप ज़्यादा होगी तो हमने ये रियलाइज़ किया कि बैटरी थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है। बट बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास है ये कॉम्बो है, तो इस कॉम्बो में क्या है कि 3 बैटरी मिलती हैं इस चार्जर के साथ। और बढ़िया चीज़ क्या है इसमें ना, एक ये मोड है कि अगर मैं इस तरीके से ये बटन दबा दूंगा ना, तो अभी क्या करेगा, तीनों में मान लेते हैं एक में 50% है, एक में 30, एक में 20, तो ये बाकी तो बैटरी का जितनी भी पावर होगी वो यूज़ करके पूरी एक बैटरी में दे देगा। तो इससे क्या होगा कि एक पूरी बैटरी आपकी फुल हो जाएगी अगर उतनी बैटरी है, और उस हिसाब से आपको अलग अलग बैटरी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बैटरी में पूरा जूस आ जाएगा बैटरी का और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियोज़ को शूट करने के लिए, जो मुझे एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव लगा। एंड ऑल ओवर बैटरी परफॉर्मेंस भी इसका बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोज़ के बारे में, तो जैसे मैंने दिखाया था कि ये दो कैमराज हैं, एक है 1x, एक है 3x। अब दोनों ही कैमराज को यूज़ करके आप 48 मेगापिक्सल की फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है कि मान लेते हैं आपको 3x भी ऑप्टिकली जूम करके ले रहा है तो रेजोल्यूशन हाई है, 48 मेगापिक्सल है। यहाँ मैं कुछ आपको सैम्पल्स दिखा दूंगा जो हमने 1x एंड 3x में कैप्चर किए हैं, जिस हिसाब से आपको भी क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा कि आप अगर ये ड्रोन ले रहे हो फोटोग्राफी के लिए भी तो कैसा आउटपुट आपको मिल सकता है। लास्ट पॉइंट में ये कंट्रोलर की बात करना चाहूंगा, जो है DJI RC2। ये लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ आप देखोगे ऊपर एंटीनाज भी हैं, वो किस लिए, बिकॉज अब इसका जो रेंज है वो 20 किलोमीटर तक का है, पहले वाले का आई थिंक 15 किलोमीटर का था, इसका 20 किलोमीटर है, विच इज़ अ गुड थिंग। इंडिया में ऑल दो इतना दूर आप ड्रोन लेके नहीं जा पाओगे। बट एक और चीज़ इसके बारे में कि 5.5 इंच का डिस्प्ले है जो अब 700 nits का है, तो आउटडोर में भी आप कंपेरेटिवली पिछले कंट्रोलर से आपको ज़्यादा ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर कॉम्बो लेने वाले हो तो ये कंट्रोलर आपको साथ में मिलेगा। और जो ये प्रीव्यू है ये आपको 1080p 60fps तक मिलने वाला है, तो 1080p तक आप एक्चुअल डिस्प्ले देख सकते हो। और एक और चीज़, इसमें 32GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिस वजह से मान लेते हैं कि जैसे कई बार एक दो बार मेरे साथ हुआ कि ड्रोन का मेमोरी कार्ड हम भूल गए, कार्ड नहीं है तो आप शूट नहीं कर सकते, बट इंटरनल स्टोरेज है तो उसका बेनिफिट लेके आप जो ड्रोन को फ्लाई कर रहे हो उसका डेटा आप अपने कंट्रोलर में रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको बाद में आप अपने PC में वापस आके ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये था DJI Air 3 के साथ मेरा एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अब प्राइसिंग का क्वेश्चन आएगा, इंडिया में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या
होने वाली है जो US डॉलर का मुझे आइडिया वो मैं बता देता हूँ। अगर आप DJI Air 3 लोगे बेसिक कंट्रोलर के साथ तो $1099 का है, बट अगर आप इस कंट्रोलर के साथ लेने वाले हो जो है DJI RC2 तो जो MRP है दैट इज़ $1549, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। आप वेबसाइट पर भी जाओगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप चेक कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एंट्री लेवल भी नहीं और एडवांस भी नहीं, आप बीच का ड्रोन देख रहे हो, स्टिल आई वुड से इट्स एडवांस प्रोफेशनल ड्रोन जो आप 1 से 1.5 लाख का अगर बजट लेके चल रहे हो उसमें आपको ये मिल जाएगा। सो वीडियो बढ़िया है, आउटपुट आपको अच्छा मिलता है, डी लॉग है एंड डायनामिक रेंज अच्छा है, फोटोज भी आप 48 मेगापिक्सल में ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट 3x ऑप्टिकल जूम है, तो उस हिसाब से ये एक्चुअली एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन बन जाता है ड्रोन में। आपको कैसा आउटपुट लगा आप कमेंट करके बताना, अगर किसी ड्रोन के साथ कंपेरिजन चाहिए वो भी आप बता सकते हो, हम ट्राई करेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।